फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका अपना राजवे और आज हमारे साथ है हमारे जीएस पाजी। हां जी भाई लोग, क्या चाल करवाई है वो है हमारी नीचे की देख लो ऐसी छोटी छोटी ऐसी नीचे जैसे फेरी अभिन के लग रहा होगा कि शाम को रंगारंग मामला चलता है बट ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका अपना राजवे और आज हमारे साथ है हमारे जीएस पाजी। हां जी भाई लोग, क्या चाल, सत श्री अकाल। तो आयो आप समझ चुके होंगे आज पाजी आए हैं। तो दूसरी चीज है अपनी वर्ल्ड फेमस नलिमा भी यहाँ आई है तो ऑब्वियसली इसको भी थोड़ा सा पैम्पर करेंगे बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोगों को जब पता लगेगा कि हम ऑलरेडी ट्रिप पे जा रहे हैं तो वन स्टॉप सॉल्यूशन था कि जो भी हमें चाहिए जैसे माउंट चाहिए मोबाइल के, हमें एसेसरीज चाहिए, बैगेज सॉल्यूशन चाहिए, सब कुछ लेने के लिए हम एक ही शॉप पे हैं राजू भाई की। इसीलिए आज ये जो पीछे आप हिमालयन देख रहे हो ना ये पहली चीज़ है, शोरूम से निकलते PPF हमने करवा दिया था। दूसरी चीज़ है ये दूसरी दुकान है जहाँ पे बाइक चढ़ी है क्योंकि अब इसके अंदर मैं लोड होंगी एसेसरीज जो भी एसेंशियल है जो हमारे रोड ट्रिप को आसान बनाएंगी और बाइक को कम डैमेज करेगी, तो मतलब सेफ्टी भी प्रोवाइड करेंगी, कंफर्ट भी राइडर को, तो सब कुछ जो राजू भाई आज सजेस्ट करेंगे ना हम लोग इंस्टॉल कराएंगे यहीं पे। पहले आपको दिखाएंगे इसके अंदर जो हिमालयन है जो कि है भैया की इनकी और ये भैया है इनका चैनल है राइडिंग इन पीस, इनका इनके नाम से का चैनल है और इनके इसमें जाइए ना यूट्यूब के अंदर तो इनकी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ है जो कि जब मैंने देखी थी ना फर्स्ट टाइम तो सच में तो मैं भी करता यार। ऐसा भी होता है कि कोई मतलब कार पर जाकर और कहीं पर भी जाकर खड़े होकर खाना पीना सब बंदा खुद ही बनाता, तो भाई साहब मेरे को तो औसम लगा उस दिन उनका चैनल। लेकिन आए भैया आज मेरे को फर्स्ट टाइम है जेएस पाजी के साथ बट मुझे पता नहीं था कि ये वही भाई है, तो मुझे बताया गया तो मुझे पता यार क्योंकि ना ये वीडियो में कुछ अलग दिखते हैं और यहाँ कुछ अलग, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इन सभी से मिलकर भाइयों से। और अब मॉडिफिकेशन दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या किया, एक एक करके पहले बताएंगे भैया आपको कि इसमें क्या क्या लगाया गया, फिर उसका जो पॉइंट्स होंगे वो क्लियर मैं करूंगा इसके अंदर। बताइए भैया इसमें क्या क्या लगवाया आपने, क्या क्या आपको कैसे लगा? ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरा नाम है सैम, मेरे चैनल का नाम है राइडिंग विद पीस और अभी 3 दिन पहले मैंने इस बाइक को डिलीवरी ली है हिमालयन 452। तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी कि मैं इसके अंदर क्या क्या लगवाऊँ, तो मैं आ गया राजू भैया के पास। जब आया तो उन्होंने एक बड़ा बक्सा मेरे सामने पटका और उसके अंदर थी बहुत सारी एसेसरीज, हो गया कन्फ्यूज कैसे कैसे लगेगी, तो स्टेप बाय स्टेप जब ये लगाते गए सारी क्लियर हो गया। आइए मैं भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले लगाए हैंड गार्ड, ये इसके बारे में डिटेल बताएंगे हमारे राजू भैया। ये हैंड गार्ड जो होता है ना इसका जो यूज़ होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ ये जस्ट फॉर लुकिंग होते हैं बट जस्ट फॉर लुकिंग नहीं होते हैं, जो लुकिंग होते हैं सिर्फ प्लास्टिक वाले, प्लास्टिक नहीं है ये, आपको होता पूरा मेटल का जो रॉड है साथ में मिलता है अनब्रेकेबल प्लास्टिक इसके अंदर जो देखने मिल जाएगी आपको। इससे आपका हैंड भी पूरी तरह प्रोटेक्ट होता है क्योंकि क्या होता है जब भी आप राइड कर रहे हैं तो आप तो केयरफुली चला लेते हो बट सामने वाले पर्सन का नहीं पता वो कैसे चला रहा है कैसे नहीं चला रहा, तो क्या होता है आपको जरा से भी साइड मारी ना तो आपका या तो लीवर डैमेज हो गई होगा, ठीक है ना, और हैंड में तो आपका कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपको पेन होगा जैसे चलाने में दिक्कत हो सकती है। तो इसे लगाने के बाद ना वो प्रॉब्लम हो गई पूरी तरीके से सेफ, इतनी सेफ कि आप सेफली राइड कर रहे हो, आप जैसे मरीज जा रहे हो किसी ने मार भी जरा तो आपको नहीं फर्क पड़ता भैया तू मार निकल जा तू मार के, तेरे को होना हमें कुछ नहीं होना, तो वो इसका लॉजिक है। लीवर भी होता है पूरे प्रोडक्ट क्योंकि इसके लीवर ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं क्योंकि रॉयल इनफील्ड की जो न्यू मॉडल है इसका जितना भी माल है वो सारा महंगा है, सस्ता कुछ भी नहीं है इसका और जल्दी से अवेलेबल होता भी नहीं है, तो ये लीवर ही प्रोटेक्ट करता है, साथ में आपके हैंड भी होता है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट और साथ में थोड़ी बहुत विंड भी इसमें कंट्रोल हो ही जाती है, गर्मियों में गर्म कम हो गया लगेगा और सर्दी में ठंडा कम लगेगा। तो इसके बाद जो सेकंड एसेसरीज लगी है वो आप लोगों को अपने आप ही ज़रूरत पड़ती है कि हमारा फ़ोन हमें माउंट करना है ताकि हम GPS भी यूज़ कर सके और जो हमारे उससे फ़ोन वगैरह कुछ भी एप्लीकेशन होती है वो यूज़ हो सके। तो यहाँ पे भैया ने मोबाइल होल्डर लगाया है सिमटेक का लेकिन इसे होल्ड करने के लिए नीचे लगाया है GPS माउंट जो यहाँ पे अटैच होता है हिमालयन के अंदर, बाकी डिटेल भैया बताएंगे आप। तो इसका जो यूज़ है वो देखो सबसे ज़्यादा मोबाइल होल्डर जो है ना वो यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पर, ट्रैवलिंग जरूरी नहीं कि आप लॉन्ग ड्राइव करो तभी यूज़ करना है। मान लो किसी ने लोकेशन डाल दिया आपको कि भैया आप यहाँ आ जाओ मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे यहाँ आपसे कुछ काम है या किसी भी तरीके का कहीं जाना है, तो सिंपली मोबाइल इसके अंदर हैंग करके, हैंग करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, लोकेशन लगानी है, मैप ऑन करना है और निकल जाना है अपने डेस्टिनेशन जहाँ भी आपको जाना है, तो ईजी टू आपकी राइड बना देता है मोबाइल होल्ड करने के बाद जैसे मर्जी। और उसके बाद इसके अंदर जो GPS माउंट है ना, इस GPS माउंट का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि इसमें अपना GPS होल्डर चाहो तो वो भी लग जाता है, जैसे कि GPS माउंट आता है जो आपने जेएस पाजी की इसमें देखा हुआ है बहुत सारे GPS माउंट लगे हुए हैं वो भी इसके अंदर होल्ड हो जाता है, साथ में मोबाइल होल्डर भी होल्ड हो जाता है। और इससे जो आपका फंक्शन है यहाँ की जगह हैंडल बार की जगह आपका आ जाता है मीटर केस के ऊपर की साइड, मीटर भी आपका हाइड नहीं होता साथ में आपका हैंडल भी होता है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट सेफ, मतलब कोई आपको लॉक की प्रॉब्लम किसी प्रॉब्लम तो ये आपको
सिंपली इजी टू फिट इट, इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, नेक्स्ट आइटम बताइए भी आप। ओके, तो इसके बाद तीसरी हमारे पास जो एसेसरीज आते हैं वो आते हैं क्रैश गार्ड, कि बाइक गिरेगी तो हमारा इंजन प्रोटेक्ट रहे और बाकी चीज भी प्रोटेक्ट रहे, बॉडी पार्ट प्रोटेक्ट रहे। तो यहाँ पे भैया ने इंस्टॉल किया ये पूरा क्रैश गार्ड, जिसके साथ में बहुत अच्छी फिनिशिंग है, लुकिंग है, और ये कितना स्टडी है वो बताएंगे हमारे राजू भैया। इसका देखिए, इसका मैं बताता हूँ बेसिकली यूज़। आपने हिमालयन ना मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, और हिमालयन का ट्रेंड जो चला है ना वो सच बताऊँ तो इतना अच्छा चला कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई है ये वाली बाइक। और इसको मॉडिफाइड करने के बाद ना सबसे पहले मैं जो लगवाता हूँ कस्टमर से कहकर इसलिए क्योंकि जब लोगों ने बाइक तो ले ही ली, अब इसका सेफ्टी फीचर मस्ट है, बिना सेफ्टी के कुछ होने वाला है नहीं इसके अंदर। क्योंकि जब भी गाड़ी गिरती है तो मैंने बताया जैसे लीवर की प्रोटेक्शन होगी, वो साथ में इसका टैंक, ये टैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें लगाया जाता है क्रैश गार्ड, जो कि फुल बॉडी क्रैश गार्ड होता है ये। और इसकी मिलती है मेरे पास 1 ईयर गारंटी, पाउडर कोटेड वगैरह, ये किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत होती है तो मैं सीधा करता हूँ चेंज से, क्योंकि मैं क्वालिटी पे बिलीव ज़्यादा करता हूँ। मेरे खुद के बनते हैं, मैं मार्केट से नहीं बाय करता, ये मेरे खुद के बनते हैं, जैसे कि टॉप रैक हो गया, सैडल स्टे हो गया, और आपका क्रैश गार्ड हो गया, हेडलाइट ग्रिल, रेडिएटर गार्ड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें इसकी जो मैंने खुद ही बनवा रहा है। इसकी नहीं, बहुत सारी गाड़ी मेरे पास ऑलरेडी मैं खुद ही बनाता हूँ इनकी। तो इसका जो यूज़ है, जब भी गाड़ी गिरती है, स्क्रैच होती है, मतलब समझ रहे क्या होता है, गिरने का मोटिव क्या होता है, गिर गए, मैं नहीं चाहता गिराओ आप, मे बी एक्सीडेंटल छोटा मोटा भी, वैसे ही पैर फिसल गया, स्किट हो गिर गई, तो ये आपकी ना गाड़ी को पूरी स्टे कर देगी, इस तरीके पूरा स्टैंड कर देगा, बट ये कटने वाला टूटने वाला नहीं है बिल्कुल भी, ये भी मेरी गारंटी है, ना ही ये टूटेगा, ना ही आपके लैग्स में प्रॉब्लम आने वाली है, और ना ही आपका टैंक में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है इसे लगाने के बाद, क्योंकि ये होता फुल्ली सेफ्टी वाला फीचर। इसमें जो फोर्थ एसेसरीज में भैया ने इंस्टॉल करवाई है वो है हमारी नीचे की बेस प्लेट, जो हमारे इंजन को सेफ रखती है। बाकी ये कितनी स्टडी है ये भी बताएंगे आपको हमारे भैया। तो इसका जो बेसिक यूज है वो भैया ने बताया, बेस प्लेट है ये आपके इंजन को होता पूरी तरह प्रोटेक्ट, और इंजन को प्रोटेक्ट करने के साथ ही मैंने आपको दिखाया था इसमें स्टार्टिंग के अंदर जो कि भैया वीडियो बना रहे थे उस टाइम पर, ये होती है पूरी प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी जो नीचे लगा हुआ था, पहले प्लास्टिक बॉडी लगा हुआ था, इसे निकाल के हमने लगा दिया इसका मेटल का। एक बार दोबारा चेक करो, दिखाओ ये देखिए, ये होता है पूरा मेटल का, और ये मेटल का लगाने के बाद इसमें क्या था, मेरे ख्याल से नीचे ना ऑयल कूलेंट का सिस्टम भी है इसके अंदर नीचे से, है ना इसके अंदर? हाँ जी। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑयल फिल्टर होता है नीचे, तो जब भी आप राइड करते हैं तो राइड करने के बाद क्या होता है, कोई भी पत्थर वगैरह किसी भी चीज़ का, अगर पत्थर का होता प्लास्टिक का होता टूट जाता, टूटने के बाद आपको प्लास्टिक का टूटा अंदर घुस गया, पता लगा आपका ऑयल फिल्टर का वो टूट गया, डैमेज हो गया, उसे टूटने के बाद क्या होता है, गाड़ी आपकी वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी ऑयल निकलने के बाद। तो उसको पूरी तरीके से करता प्रोटेक्ट, जो कि आप देख सकते हैं मेटल वाला है, कोई आपका प्लास्टिक का नहीं है किसी तरीके का, बहुत ही बिल्ड क्वालिटी का जो कि इसके अंदर लगा दिया गया, इससे होता है आपका नीचे का पूरा सेफ बेस प्लेट, इसी को कहते हैं। नेक्स्ट बताइए। तो इसके बाद ना फिफ्थ एसेसरीज इंस्टॉल की गई है, रेडिएटर गार्ड। मुझे नहीं पता था इसके अंदर कंपनी फिटेड ना प्लास्टिक वाले आते हैं, वो तो जब यहाँ पे खोले और भैया ने बताया तब मुझे पता लगा। तो उसके बाद इन्होंने इंस्टॉल किया है मेटल का ही रेडिएटर गार्ड। भैया एक बार और एक्सप्लेन करो। ये बहुत ही पॉइंट वाला वो है कि एक रेडिएटर ना, देखो पता क्या होता है, आपने गाड़ी का रेडिएटर ले लो या आपकी किसी भी बाइक का रेडिएटर ले लो, ये जो रेडिएटर जो पार्ट होता है ना, ये होता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, इतना सेंसिटिव होता है कि इसके अंदर जालियाँ लगी होती है, लाइक आपने एसी वगैरह देखा होगा उसके अंदर रेडिएटर होता है, वो भी आपका पूरा जो एल्यूमिनियम का होता है जिसमें हल्की हल्की जालियाँ निकली होती है, इसमें हल्का सा कंकर पत्थर लगता है ना, तो ये समझ लो होता है पूरी तरीके डैमेज। और इसका डैमेज होने के बाद ना गाड़ी को कोई भी बचा नहीं सकता बंद होने से, क्योंकि ऑयल कूलेंट ही निकल जाएगा आपका तो गाड़ी का हीट ओवर हीट होगी, ओवर हीट होता ही समझ लो गाड़ी वहीं पर बंद। तो इसके अंदर लगाया वो देख सकते हैं, ये है पूरा मेटल का, ये भी पूरा मेटल का है, जैसे कि मैं हर बार दिखा देती हूँ, ये भी पूरा मेटल का है, जो इसमें लगा हुआ तो प्लास्टिक का था, इसे निकालने के बाद और पूरा लगा देगा मेटल का, जो कि प्रॉपर फिटमेंट के साथ है, हिमालयन का ओरिजिनल जो इसमें इंस्टॉल कर दिया गया, आप देख सकते हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं लगेगा आफ्टर मार्केट से लगा, कंपनी से ये शायद लगा हो, पर कंपनी में जो आता है प्लास्टिक का आता है, मेटल का नहीं आता, जिससे आपका रेडिएटर होता पूरी तरीके से सेफ। नेक्स्ट देखो, ये तो हो गई आपकी बड़ी बड़ी एसेसरीज जो आपको दिखती है, लेकिन ना इस बाइक के अंदर ना छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन उन्हें कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास आता है ये ब्रेक लीवर के पास में मास्टर सिलेंडर, इसको सेव करने के लिए क्रेट लगाई है। बिल्कुल, ये इसका वैसे कुछ ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगा इसके लिए, ये बेसिकली जो होता है सेफ तो हो ही जाता है, साथ में लुक भी ना इससे इनहेंस हो जाता है, तो उस केस में लगाया जाता है, क्योंकि जब भी गाड़ी गिरती है हैंडल मूव होता है ना, हैंडल मूव होकर गिरती है, वैसे तो ये कुछ होने देगा नहीं, लेकिन क्या यहाँ पर निशान आ जाता है इसके अंदर, बहुत सारी गाड़ी में देखा होगा जो गिरती है स्किट्स होती हैं तो वहाँ पर निशान होता है, ये पूरा प्रोटेक्ट उसको प्रोटेक्ट भी करेगा, साथ में लुक भी इससे होता है इनहेंस। जैसे ये इसी तरीके से नीचे भी देखेंगे, नीचे भी इसके दो होती हैं, एक ये रहा क्योंकि ये भी इसका प्लास्टिक का पार्ट होता है, ये डैमेज ना हो इसके इसमें ये लगा दिया गया, एक इसमें ये प्लास्टिक का होता है,
तो ये भी इसका पूरे तरीके से बचा था। तो तीन मास्टर सिलेंडर कैप है जो इसके अंदर लगा दी गई नेक्स्ट बताइए। फिर इसके बाद आगे ना फ्रंट वाले विंग, तो ये है फोर्क स्लाइडर जो क्रैश होने पे हमारा फ्रंट वाला एरिया सेफ रखता है, बाकी डिटेल देंगे भैया। तो बेसिकली जैसे कि भैया ने बताया फोर्क स्लाइडर, तो फोर्क स्लाइडर देखो मैं बताता हूँ इसका यूज क्या होता है। यूज ये होता है जैसे कि कोई भी फ्रंट से अगर वो आपका हिट करता है ना आपके शॉकर वगैरह पे, तो ये क्या होता है उसको आपका करता पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि हिट करने के बाद सबसे पहला पोर्शन आपका ये बचाएगा आपके शॉकर को, जो कि शॉकर पर टच नहीं होने देगी। तो ये प्लास्टिक बॉडी है इसकी वैसे भी, ये इसको पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है, जो कि आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन वाली चीज़ है ये, तो मस्ट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए मैंने बताया इसके लिए ज़्यादातर जो यूज़ किया प्रोटेक्शन वाली चीज़ें यूज़ करी है, तो ये करता पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। इधर इसको भी उधर देखें उधर डिस्प्ले भी सेफ होती है, क्योंकि उस तरफ आपकी डिस्प्ले भी होती है, कोई साइड से मारता है किसी भी तरीके मारता तो आपकी डिस्प्ले भी वैसे पूरी तरीके सेफ। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये ना जल्दी से इंस्टॉल नहीं कर सकता कोई भी हमारे अलावा, ये मेरी श्योरिटी है मेरी गारंटी है, क्योंकि हम जो काम करते हैं ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, हमें करने में बहुत मज़ा आता है इसका। मैं नेक्स्ट बताइए। ये तो मैंने देख ही लिया कि वो किस तरीके से इंस्टॉल हुए सच में। ओके, तो ये तो थी छोटी छोटी एसेसरीज जो आपको बता दी जो आपकी बाइक को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। अब आते हैं एक मेन एसेसरीज में जो है टॉप बॉक्स। यह है 45 लीटर का टॉप बॉक्स जिसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आप अपना हेलमेट भी रख सकते हो, अगर आपको लॉन्ग ट्यूनिंग करनी है तो इसको इसमें आप अपने कपड़े भी लेके जा सकते हो। बाकी ये किसी भी बाइक पर इंस्टॉल हो जाएगा? देखिए ये किसी भी बाइक पर आपका इंस्टॉल हो जाता है, किसी भी स्कूटी पर भी इंस्टॉल हो जाता है, नथिंग ओनली फॉर बाइक्स, स्कूटी पर भी ये इंस्टॉल हो जाता है। आपने शायद अगर मेरे चैनल पर जाके देखोगे राजू भाई एस्केट में, तो इसके अंदर नीचे आपको देखने मिलेगा कि मैंने स्कूटी में भी इंस्टॉल किया हुआ है और किसी में भी हो जाता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे आपकी हायाबुसा हो, उस पर भी हो जाएगा इंस्टॉल्ड। ये ध्यान रखना, ये मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ आपकी इस बाइक के लिए, सिर्फ स्कूटी के लिए, किसी पर भी इजीली इंस्टॉल हो जाता है। और इसकी इसकी मैं बताता हूँ कि स्पेशलिटी क्या है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये है आपका मेटल का। नॉर्मली क्या होता है प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं जो दिखता कुछ है और होता कोई, बट ये होता है आपका पूरा मेटल का, पूरा मेटल का। ट्रिपल पाउडर कोटिंग होती है इसके अंदर जो कि आपको बनाया गया पूरा जबरदस्त और इम्पोर्टेड, नॉट इंडियन। इंडियन में दिक्कत आती है, इम्पोर्टेड जितने भी लोग हैं टॉप क्वालिटी के लोग हैं वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। और स्पेस की अगर बात करी जाए तो 45 लीटर का बताया भी है ने, एक आपका इसके अंदर हेलमेट इंस्टॉल कर सकते हो आप, जैसे कि देख सकते हैं एक इसमें आराम से हेलमेट आएगा आपका, हेलमेट क्लोथ्स वगैरह, वाटर बोटल, बियर बोटल, दारू बोटल सब इसके अंदर इंस्टॉल होने वाला है। कुछ भी कहीं भी लेके निकल जाइए अपनी सेफ्टी के अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए। और देखिए इधर बहुत कुछ है, इधर साइड में, साइड में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और कुछ प्राइवेसी समझ रहे हो ना वो भी रख सकते हो इसमें, तो सब कुछ हो जाता है इसके अंदर रख सकते हैं आप। और ये होता है फुल्ली वाटर प्रूफ, ये होता है आपका फुल्ली वाटर प्रूफ, किसी भी तरीके कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होने वाली है, जो कि आपको दिएगा पूरा आपका टॉप बॉक्स। देख लो भैया ने कैंपिंग वीडियोस देख ली है मेरी, तब इनको लग रहा होगा कि शाम को रंगारंग मामला चलता होगा, बट ऐसा नहीं है। अपन आप लोगों को पता कि भैया पकड़ लिया, ऐसा नहीं होता, आप लोगों को तो पता ही है अपन क्या पीते हैं। फिलहाल ये तो होगी सारी मॉडिफिकेशन, एक लास्ट मॉडिफिकेशन आपको और दिखाता हूँ कि इसमें हमें फॉक्स लैंप मतलब ऑक्सिलरी लाइट लगानी पड़ती है, तो मैं लाना भूल गया था, तो उसके बाद मैंने क्या किया उसके लिए यहाँ पे एक क्लैंप्स लगवा लिया है ये वाले, कि अपनी लाइट इसके ऊपर इंस्टॉल हो जाएगी इजीली, बाकी वायरिंग की फिटिंग हम लोग कल करा लेंगे भैया। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो सकता है कि कल अगर ये वीडियो जब डलेगी तो आपको फॉग लैंप लगे हुए मिले, और मे बी नहीं लगे हुए मिलते हैं तो ये ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम कभी भी आएंगे तो मैं वो वीडियो अलग से बना दूंगा। इस वीडियो के अंदर आपको ये आपको देखने मिलेंगे चार क्लैंप्स जो कि इसके अंदर इंस्टॉल किया मेटल वाले, इससे आपके फॉग लैंप इजीली इंस्टॉल हो जाता है, कहीं भी जाते नहीं है इसे लगने को, और आपके सबसे मेरे बंदा होल करने की टेंशन हो जाती है खत्म। और इसके बाद मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, इसके अंदर लगाई गई हेडलाइट ग्रिल। ये हेडलाइट ग्रिल जो है इसका जो मेन मोटिव होता है लुक तो इनहेंस होती होती है, रोशनी तो खैर इन लाइटों वैसे भी नहीं होती, मैं क्यों झूठ बोलूँ, ये लाइट जितने भी आपको एलईडी लाइटें मिलेंगी ना चाहे कोई सी बाइक से हो कोई सी भी स्कूटी हो, इनका लाइट का थ्रो बहुत ही बेकार है। एलईडी लाइट जब से की है तब से बेकार हो चुका है इनका तो, लेकिन ये फिर भी सेफ्टी फीचर्स ये लगा दिए गए हैं कि इससे लुक तो इनहेंस होगी, साथ में आपका ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी बनाई गई है तो आपके कोई भी पत्थर वगैरह किसी को आगे जो राइडर जा, मतलब एक बंदा जाता नहीं, काफिला जाता चार पाँच दस बाइकों का, तो क्या होता है भगरी होती है आपस में, तो कोई पत्थर आके ना लगे इस पर और लगता है तो आपकी पूरी जाली करते हैं प्रोटेक्ट, उसको ना तो स्क्रैच आएगा और ना ही ये टूटने वाला है लाइट। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको जो कि बताना भूल गया, इसके अंदर लगाई टॉप रैक प्लेट जो कि देख सकते हैं, ये टॉप रैक प्लेट जो है इसका यूज़ यही होता है कि आपका टॉप बॉक्स इजीली फिट हो जाता है इसके अंदर किसी भी बाइक पर, चाहे आपकी कोई सी बाइक हो सबके अंदर टॉप रैक प्लेट या फिर
पूरा ही टॉप रैक लगाना पड़ा, बट इसके टॉप रैक आता है सिर्फ प्लेट की, प्लेट इसके अंदर लगा दी गई है और साइड में आपको देखने मिलेंगे सैडल स्टे जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। सैडल स्टे लगाने के बाद जैसे कि भैया ने बताया मेरा पैनियर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो उसके बाद क्या पैनियर जो लेकर आएंगे अब या तो मेरे पास लाएंगे तो मैं इंस्टॉल करा दूंगा तो वीडियो में सारा कवरअप हो जाएगा, अदरवाइज कहीं से भी लगवाना पैनियर इसके अंदर इजीली इंस्टॉल हो जाएंगे दोनों तरफ लगे हुए, या फिर आप सैडल बैग भी आराम से इसके अंदर लगा सकते हैं। और वैरायटी क्योंकि हमें देख सकते हैं वैरायटी बहुत है हमारे पास, चाहे टॉप बॉक्स हो, पैनियर्स हो, या कुछ भी डिग्गी हो, साइड बॉक्स हो, मतलब देख लो ऐसी छोटी छोटी एक्सेसरीज है, जैसे फ्रंट वाली ग्रिल में भूल गया था, मतलब अभी तो चलाते चलाते याद आएगा ये भी तो लगाया है, ये भी तो लगाया है। देख लो भैया ये वाली थी वीडियो टोटल मॉडिफिकेशंस की, एसकेडी कस्टम राजू भैया, डिटेल फ्रंट में आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला होगा। एक बात और बता देता हूँ कि ध्यान दें एसकेडी के नाम से कई शॉप्स खुल चुकी है मार्केट के अंदर, तो आप उनसे रहे अवेयर, ओनली फॉर राजू भाई एसकेडी, जो कि आपको शॉप का जो नाम है ओनली फॉर एसकेडी देखने को मिलेगा बिग साइज के अंदर। और बोर्ड पे मेरे लगे तो हनुमान जी की मूर्ति, बालाजी का आशीर्वाद मेरे पास है, मेरे ऊपर है, मुझे किसी और के आशीर्वाद की जरूरत भी नहीं है, बालाजी की मेहर इतनी है कि सब कुछ वो काम कराया था, चाहे मेरा काम कैसा भी छोटा हो बड़ा हो, कोई डिफेम करे कोई कुछ करे, एवरीथिंग इज गॉन, बाढ़ में जाओ, गुड वेल। चलो इसी के बाद पे जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम, जय माता दी। एंड करते हैं वीडियो का एंड, जिसको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, राइडिंग विद पीस और राजू भाई एसकेडी एंड जेएस फिल्म्स, इन तीनों को कर लेना जल्दी से सब्सक्राइब जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, और सब्सक्राइब करने के बाद जो सब्सक्राइब करने के बाद जो कस्टमर हमारे पास आएगा हमारी वीडियो देखकर उसको मिलेगा एक स्पेशल डिस्काउंट या फिर स्पेशल गिफ्ट, वो भी हमारी तरफ से। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो, जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।